इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। जब वे मात्र 3 साल के थे तभी उन्होंने क्रिकेट बैट हाथ में ले लिया था। मात्र 9 साल की उम्र से उन्होंने दिल्ली क्रिकेट अकेडमी से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, जिनकी कप्तानी में भारतीय अंडर 19 की टीम ने 2008 का वर्ल्ड कप जीता था। इन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 2008 में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला डेब्यू मैच खेला था। वे एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने अपने विश्व कप डेब्यू मैच में शतक जड़ा था। भारतीय खिलाड़ियों में वनडे क्रिकेट में मात्र 52 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी इसी बल्लेबाज के पास है। जिनके रिकॉर्ड की बात की जाए तो वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं, जिसके लिए उन्हें ICC का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिल चुका है। यह खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अब तक कम समय में 70 से ज्यादा शतक और 20,000 से अधिक रन बना चुका है। अगर यह खतरनाक बल्लेबाज आगे भी अपने क्रिकेट करियर में इसी अंदाज से बल्लेबाजी करता रहा तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था रन मशीन विराट कोहली के बारे में, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी और भारतीय टीम के लिए कप्तानी करते हुए बड़े बड़े मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई है और दुनिया भर में भारत का झंडा लहराया है। विराट कोहली दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। सोशल मीडिया पर इनके बाकी क्रिकेटरों के मुकाबले सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनको अब तक पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन IPL के इतिहास में इनकी कप्तानी में RCB आज तक IPL का खिताब नहीं जीत पाई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या RCB की टीम कभी IPL का खिताब जीत पाएगी? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग और क्रिकेट इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए शार्प को सब्सक्राइब कर लेना।